हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस मेकअप लुक को। इस मेकअप लुक को आप किसी भी ब्लैक कलर के आउटफिट के साथ कर सकते हो, और आप किसी भी वाइट कलर के आउटफिट के साथ भी इस मेकअप लुक को आसानी से कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये आई मेकअप, और आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप इस लुक को ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ भी कर सकते हो, जो कि बहुत ही प्यारा लगेगा और बहुत ही आसानी से आप इस लुक को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि मैंने इस मेकअप लुक को कैसे किया है। यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ अपने फेस पर एलोवेरा जेल। ये पतंजलि की सौंदर्य एलोवेरा जेल है। एज ए फेस प्राइमर मैं इसे लगा रही हूँ। बहुत ही अच्छी प्राइमर का काम करती है ये एलोवेरा जेल। आपके पास जो भी एलोवेरा जेल हो वो आप लगा सकते हो एज अ फेस प्राइमर। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लैक्मे सीसी क्रीम। और सभी प्रोडक्ट के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं इसे एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो इसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लैक्मे लूज पाउडर। अपनी क्रीम को अच्छे से सेट कर लूँगी मैं। और अभी जैसा कि समर्स हैं, तो समर्स में आप थोड़ा सा ज़्यादा भी लूज पाउडर लगा लेंगे तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अक्सर आपके फेस पर ऑयल आ जाता है तो वो भी नहीं आएगा। तो आप ज़्यादा भी लगा लेंगे तो चल जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ स्विस ब्यूटी आईब्रो पाउडर की हेल्प से। तो आप डिफरेंस देख सकते हो, बहुत ही अच्छी आईब्रो पाउडर है ये। और अब मैं स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रोज को सेट कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैका कंसीलर। आपके आई शेडो के कलर को खूबसूरत दिखाने के लिए कंसीलर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से। आप चाहें तो इसे फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो। इसके बाद मैं कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर जैकलिन हिल पैलेट से ये डार्क ब्राउन कलर का शेड, और इसे अपनी क्रीज लाइन पर प्लेस करते हुए इस तरीके से मैं ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है गाइस, आपके आई शेडो के कलर को खूबसूरत दिखाने के लिए। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी आई शेडो लगाएं तो उसे अच्छे से ब्लेंड ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी की ये जेल आईलाइनर, और इसे मैं स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से लेकर अपनी पूरी आईलिड पर लगा लूँगी इस तरीके से, और अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी। आपको यहाँ पर कुछ कुछ लुक जो है वो मेरा स्मोकी आई लुक की तरह दिख रहा होगा। जी हाँ, तो मैं स्मोकी आई लुक ही कर रही हूँ। पहले बहुत ही सिंपल है, दो या तीन स्टेप में आप इस मेकअप लुक को आसानी से कर सकते हो। अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ब्लू हेवन की काजल। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी की ये ग्लिटर्स, और इस तरीके से इसी एप्लीकेटर की हेल्प से मैं अपनी हाफ आईलिड पर ये ग्लिटर्स को अप्लाई कर लूँगी। बहुत ही अच्छे ग्लिटर्स हैं ये स्विस ब्यूटी के, और बहुत ही इजी है इन्हें अप्लाई करना, और बहुत जल्दी ये ड्राई भी हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे हैं, और जल्दी से ये निकलेंगे भी नहीं पसीने की वजह से आपकी स्किन से समर्स में। तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो इजली। इसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबेलिन का मस्कारा। आपके पास गाइस जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स हों, आप उनकी हेल्प से इस लुक को कर सकते हो। आपके पास जिस भी ब्रांड के हों वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने आज यहाँ पर अपनी फेक आईलैशेस नहीं लगाई है गाइस, क्योंकि मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई और मुझे ऐसे ही ये लुक अच्छा लग रहा था। वैसे बिल्कुल ऑप्शनल है यहाँ पर फेक आईलैशेस, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। और मैंने मेबेलिन के ही दो कोट लगा लिए थे अच्छे से मस्कारा के, तो मेरी आईलैशेस वैसे ही अच्छी लग रही हैं मुझे। इसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का ही जेल आईलाइनर लगा लूँगी यहाँ पर। आप देख रहे हो मैं पेंसिल ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ इसे। अब मैं अपने फेस को यहाँ पर कंटूर कर रही हूँ। गाइस, अगर आपके पास कोई भी कंटूरिंग स्टिक नहीं है तो आप इस तरीके से डार्क चॉकलेट कलर की लिपस्टिक से भी अपने फेस को कंटूर कर सकते हो। बहुत ही अच्छी कंटूरिंग का काम करती है, मैं ज़्यादातर इसे यूज़ करती हूँ। आपने देखा भी होगा मेरे बहुत से मेकअप ट्यूटोरियल्स में गाइस, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये लिपस्टिक। ईजिली ब्लेंड हो जाती है और बहुत ही अच्छे से कंटूरिंग करती है ये फेस की। कलर बहुत ही अच्छा है और मैंने ये नॉर्मल मार्केट से ही परचेज़ की थी। इसके बाद मैं ये स्विस ब्यूटी का ब्लश अप्लाई कर लूँगी। बहुत ही लाइट सा मैंने ब्लश लगाया है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लगाया है। इसके बाद मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ सेम पैलेट से। तो यहाँ पर मैंने अपनी ब्रॉ बोन और इनर कॉर्नर्स में भी हाइलाइटर को अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हो। देखा आपने फ्रेंड्स, कितना इजी है इस मेकअप लुक को करना। बहुत ही इजी है आई मेकअप को करना, दो या तीन स्टेप में आप इस लुक को आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर मैं ADS की लिक्विड लिपस्टिक लगा रही हूँ,
और ये पिंक कलर का शेड है, जैसे कि आप देख सकते हो ये ब्राइट सा पिंक शेड है, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, तो आप एक बार मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने अपनी एसेसरीज़ को वियर कर लिया है, आप अपने अकॉर्डिंगली भी वियर कर सकते हो जो भी एसेसरीज़ आपके पास हो। तो आप भी मुझे बताइएगा गाइस कि आपको मेरा ये नोज़ पिन कैसा लगा, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था ये नोज़ पिन, और मैंने फर्स्ट टाइम आज वियर किया अपनी वीडियो में। और यहाँ पर मैंने अपने फेक नेल्स भी लगा लिए हैं, तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेकअप लुक पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको आज का मेकअप लुक कैसा लगा।